हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी अपडेट, स्टडी फास्ट बी स्मार्ट। तो मैं हूँ आपकी दोस्त पल्लवी श्री और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। जी हाँ, ये फ्लेमिंगो का सेकंड पोएम है। कौन लिखा है इसे? स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, इसमें ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये एक बेसिक स्कूल के बेसिक क्लासरूम के बारे में बताना चाहते हैं जो कि स्लम एरियाज में। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेसेस। देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या बता रहा है कि ये जो बच्चे हैं इनके चेहरे से बहुत दूर है, इनके चेहरे पे कोई हवा ही नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई खुशी की लहर नहीं दिख रही है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पैन। इनके चेहरे पे जो बाले दिख रही है, जो हेयर्स दिख रही है, उस कटे हुए बेजान घास की तरह है जिसमें कोई जान नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ठीक है, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। एक लंबी सी लड़की सिर झुकाए खड़ी है। द पेपर सेमिंग बॉयज विथ रैट्स आईज। एक पतला सा, दुबला पतला सा लड़का जो पेपर की तरह दुबला पतला कमजोर है, उसकी आंखों में एक डर है। ठीक है, उसकी आंखें एकदम रैट की तरह है, मीन्स डरपोक, सस्पिशियस। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स ग्लैंड डिजीज His lessons from his desk। देखिए, एक लड़की की बात कही जा रही है जिसको अनवांटेड डिजीज, मीन्स अनलकीली उसे क्या हो गया है, उसके फादर की बीमारी, गठिये की बीमारी, ठीक है, जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है, विरासत में मिल गई है, जिसे वो एक बेचारा दुबला पतला सा लड़का गठिये की बीमारी का शिकार, वो एक टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है, अपना टास्क पूरा कर रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लासेस वन अनवांटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम of a squirrel games in the tree room other than this। देखिए, इस लाइन में क्या बता रहा है? एक लड़का जिसे बहुत ही स्मार्ट है, खूबसूरत है, यंग लड़का, वो डिम क्लासेस में जहाँ पे लाइट्स नहीं है, बहुत अंधेरा है, एकदम से लाइट कटा हुआ नहीं है, डिम है, ठीक है, वहाँ पे बैठ के वो अपना पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, उसे पढ़ाई क्या, वो अपने सपने में खोया हुआ है कि स्क्वायरल्स है, पेड़ में खेल रही है वगैरह वगैरह, वो इस तरह के सपने में खेल रहा है। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ इनका, ऑन सोर क्रीम वॉल डोनेशंस सेट्स प्योर्स हेड। एक गंदी सी दीवार है, मटमैली टाइप, गंदी गंदी टाइप दीवार है, उस पे सारे उन डोनेशंस के थिंग्स को लिखा गया है, जितनी भी आज तक डोनेशन चैरिटी में चीजें मिली है ना, उनकी लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसपे क्या है? शेक्सपियर्स का हेड। दैट मीन्स क्या? शेक्सपियर हेड मीन्स क्या? शेक्सपियर का फेस बना हुआ है उसपे ड्रॉइंग। ठीक है, क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डोम राइटिंग ऑल सिटीज। एक क्लाउडलेस डॉन है, एक सुबह ऐसा जिसपे गुम्बद की तरह पूरा फैला हुआ है सूर्य के किरण, पूरी सिटी को कवर कर रहा है। ठीक है, बेल फ्लोरी टैरोलिस वैली। एक बहुत ही सुनहरे फूलों वाली टैरोलिस वैली बनी हुई है, घाटी बनी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड। देखिए, और ये क्या है? ओपन हैंडेड मैप है, एक पूरी दुनिया को कवर करने वाला वर्ल्ड मैप बना हुआ है जिसमें पूरी दुनिया को जिस तरीके की है वो बताया गया है। And yet for these children, these windows, not this map, their world, ठीक है, अब देखिए यहाँ तक जाते हैं। इस पूरे मैप में, इस पूरे मैप को जो डिस्कशन किया गया, जो पूरी दुनिया को दिखा रहा है, पर इन बच्चों के लिए वो मैप, वो संसार वो उस मैप में नहीं है। इनका कहाँ है? Children, these windows, not this map, this world, where all their future painted with a fog। देखिए, इन बच्चों के लिए वो संसार नहीं है। इनका संसार कहाँ है? तो खिड़की के बाहर ही, खिड़की के बाहर जो इन्हें दुनिया दिख रही है, कौन सी दुनिया? जो एक फॉग भरी, धुंध भरी जो फ्यूचर इन लोगों को दिख रहा है, वही इन लोगों की दुनिया है। इसमें ये बोलना क्या चाह रहे हैं कि इनकी वो जो दुनिया है बहुत ही धुंध पड़ी है, उसमें कोई खुशियां नहीं। अ नैरो स्ट्रीट सेट इन द विथ अ लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्स। देखिए, इनमें क्या बता रहा है? उनकी एक तंग गली भरी जिंदगी है। कैसा? जिनमें उनके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां नहीं है। ठीक है, उनका जिंदगी जो है बहुत ही नैरो है। ठीक है, मीन्स क्या, जो भी इनके रिवर केव्स एंड स्टार्स वगैरह जितनी भी खूबसूरती है ना, इनको सिर्फ किताबों में ही नजर आती है, इनकी जिंदगी में कोई खूबसूरत कोई ऐसा इवेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ की तरफ मूव कर। देखिए, तो थर्ड टॉपिक पैराग्राफ क्या है? श्योरली शेक्सपियर इज विट द मैप अ बैड एग्जाम्पल। यहाँ पे शेक्सपियर का होना, शेक्सपियर के फेस का होना अनलॉजिकल बताया जा रहा है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और जो भी वर्ल्ड का मैप है वो एक बैड एग्जांपल यहाँ पे प्रूव हो रहा है, क्योंकि उन बच्चों के हिस्से में तो कोई खुशी ही नहीं है, तो
तुमको वर्ल्ड मैप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। विद सिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग टू देम टू स्टील। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो भी लग्जरी आइटम्स है, सिप्स वगैरह है, जो भी लग्जरी आइटम है, जो भी ब्यूटीज का बात किया जा रहा है, जैसे सन है, लव है, इन चीजों को जो वहाँ पे डिफाइन किया गया, इन चीजों का भी कोई लॉजिक कोई मतलब नहीं बन रहा। ये एक बैड एग्जांपल यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें उन्हें चोरी करने तक को मजबूर कर सकती है, क्योंकि उनके नसीब में तो खुशियां नहीं है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनकी पूरी जिंदगी जो है एक धुंध, अंधेरी धुंध भरी कोठरी में एक एंडलेस नाइट के में बीतती है, जो रात, वो लंबी रात जो कभी खत्म नहीं होने वाली, उस धुंध भरी रात में जिनकी जिंदगी बीत रही है, उन लोगों के लिए तो ये खासतौर पे एक पुट बैड एग्जांपल पुट होंगे। ऑन देयर स्लैग हिप दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्ल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक पर्टल बीट्स ऑन अ स्टोन। अब देखिए, ये उन वो बच्चे हैं जो कचरों के ढेर पे बैठे हैं और उनकी स्किन बहुत ही रूखी बेजान हो गई है, हड्डियां निकल गई हैं, ठीक है। उनके चेहरों पे इस तरह से चश्मे दिख रहे हैं जैसे कि टूटे फूटे कांच के चश्मे, इस तरह से दिख रहे हैं जैसे पत्थर पे कांच के कोई टुकड़े रखे हों, ठीक है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनकी पूरा का पूरा टाइम, पूरा का पूरा समय जो एक गंदे धुंध भरी जगहों पर बीतता है, ठीक है, गंदी धुंध भरी बस्तियों में। सो प्लॉट योर मैप विद द स्लम्स एज बिग एज जो, सो ऑथर के अकॉर्डिंग ये बोलना चाह रहा है, तो उनकी जिंदगी से जो भी ये दुख है, ये तकलीफ को मिटा देना चाहिए, स्लम को ही मिटा देना चाहिए, ठीक है। हम लोग फोर्थ पैराग्राफ के साथ डील करते हैं, ठीक है, आइए तो हम लोग मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडो, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी गवर्नर्स है, इंस्पेक्टर है, विजिटर्स है, इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन लोगों को जो उन लोगों का मैप दिख रहा है, जो दुनिया दिख रहा है, ठीक है, जिसको ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे, उस दर्द भरी जिंदगी को, दर्द भरी की इनकी जो खिड़की वाली जिंदगी है, ये कब्र पे रास्ते रोके खड़ी है, ठीक है। दैट सर्च अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटेकॉम्स ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इस कब्र पे जो रास्ते रोके इनकी जिंदगी जो खड़ी है, जो इनका मजबूरी है, उनको बोलता है तोड़ डालो, तोड़ दो, अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो ये पूरे शहर को तोड़ डालेंगे। मतलब यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहा है आपको कि अगर आप उसकी गरीबी को नहीं मिटाओगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजर एंड गोल सैंड एंड लेक देयर टंग्स, जैसे यहाँ पे बताना चाह रहा है कि उन लोगों का जो भी बच्चों का जिंदगी है, उनको हरियाली से जोड़ो, हरे भरे खेतों को दिखाओ और उनकी पूरी दुनिया को, उनकी दुनिया को एकदम रंगीन बना दिया जाए। रन अजर एंड गोल सैंड एंड लेक देयर टंग, अब उनको बोला जा रहा है कि जो भी उनकी सुनहरी जिंदगी, यहाँ पे सुनहरे सैंड से बोला गया है ताकि उनकी जिंदगी में भी सुनहरापन है, उनको इस चीज से अवगत कराया जाए। रन नेकेड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इन द सन, अब उन बच्चों को उनके ही हिस्ट्री के बारे में वर्णन करते हुए पढ़ाया जाए ताकि उनको जो भी उनके व्हाइट एंड ग्रीन पेजेस हैं, ठीक है, उनके उनमें उनकी ही हिस्ट्री का वर्णन हो, ताकि उन लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, अपने पास से को जानते हुए, उनका वर्णन करते हुए उन लोग नई चीजों से अवगत हो सके, सीख सके और उन लोग एक नई हरियाली भरी, खुशी भरी जिंदगी के बारे में जान सके। तो अभी हमने जो भी बताया आपको, इन सब से समरी भी कवर हो जाएगी, इंटरनल क्वेश्चन भी जितने आएंगे वो सारे आपको डील हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से बड़े ध्यान से इसे पढ़िए। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एकदम क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।